22 জানুয়ারির মহাযজ্ঞে নম এবং ভিভিআইপি নিরাপত্তায় সরজু তটে পঞ্চস্তরীয় সুরক্ষা বলয়ের আয়োজন করা হয়েছে। এসপিজি রয়েছে, এনএসজি রয়েছে, এটিএস কমান্ডো রয়েছে, আর এরই পাশাপাশি বাহিনী র‍্যাব, সিভিল পুলিশও। अयोध्या में इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज से सीमाएं सील कर दी गई हैं। कोई भी आम आदमी अयोध्या में बिना पास के एंट्री नहीं कर सकेगा, केवल QR कोड वाले लोग को ही अंदर एंट्री दी जाएगी। इसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं उनकी जो है बाकायदा चेकिंग की जा रही है, उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस का जो पहरा है वो लगा दिया गया है। चूँकि अगर हम बात करें तो आज से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम खत्म होने तक ये जो सिक्योरिटी अलर्ट है ये जारी किया गया है। ऐसे में आज से किसी भी तरह से कोई भी वाहन बिना पास के अंदर एंट्री नहीं कर सकेगा। तमाम चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, सीमाओं को सील कर दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि जो आमंत्रित सदस्य हैं उनका जो पास है जिसमें QR कोड है उसको स्कैन करके ही उनको अंदर एंट्री दी जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अयोध्या में जो एंट्री पॉइंट है हम वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा तमाम लोग जो गाड़ियों से जा रहे हैं उनका जो बाकायदा पास है वो चेक किया जा रहा है और बिना पास वालों को एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ जो गाड़ियों की जो चेकिंग है वो भी प्रॉपर की जा रही है। आप तस्वीरों में देखते हैं कि पूरा प्रॉपर जो है गाड़ी जो है चेक कराया जा रहा है और लगातार जो तस्वीरें हैं वो बेहद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद वाली हैं। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब जो आज से लेकर कल तक का जो पूरा रूट रहेगा अयोध्या का उसको भी डाइवर्ट किया गया है और पूरा एक सुरक्षा प्लान जो है वो तैयार किया गया है। ऐसे में अयोध्या में इस वक्त जो तमाम लोग जो आ रहे हैं अयोध्या उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि वो बिना पास के अयोध्या में एंट्री नहीं कर सकेंगे। बाकायदा QR इसको जो कोड है उसको स्कैन किया जाएगा, उसके बाद ही उनको अंदर एंट्री दी जाएगी। कैमरामैन दिव्या के साथ विशाल लोगंशी, जी मीडिया अयोध्या। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।